महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो पिछले कई वर्षों से कस्टमर्स को बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है, पश्चिमी दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आधुनिक तकनीक से होता है हर बीमारी का इलाज। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने हॉस्पिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग से खास बातचीत की, देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हॉस्पिटल में क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं और जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है इसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं हॉस्पिटल की। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। वीरेंद्र जी, आज आपका पहला इंटरव्यू इंडिया टाइम 24 न्यूज़ कर रहा है तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को एक बार छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, मैं वीरेंद्र कुमार गर्ग, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका का पूरा मैनेजमेंट मैं देखता हूँ। हमारा जो ट्रस्ट है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट की जो मेन हॉस्पिटल है वो पंजाबी बाग में है और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ में निर्माणाधीन है, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज हमारा शुरू हो गया है और अभी बहुत जल्द वहाँ पे मेडिकल कॉलेज इस ट्रस्ट का शुरू होने वाला है। वीरेंद्र जी, कैसे हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत पुराना नाम है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल्स का, कई सारी इसकी ब्रांचेज हैं, कैसे ये काम करता है, कोविड टाइम में इसने कैसे काम किया और जिस हॉस्पिटल में हम बैठे हैं यहाँ क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं? जी देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका जो है स्पेशली यहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। या भी अभी हम ये 70 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं जबकि 100 बेड की हमारी कैपेसिटी है और बहुत जल्द ही हम इसको 100 बेड में कन्वर्ट करवा लेंगे। यहाँ पे सारी इमेजिंग सिस्टम, जो रेडियोलॉजी और सीटी स्कैन वगैरह और पैथोलॉजी के सारे टेस्ट, मॉलिक्यूलर लैब हमारी पंजाबी बाग में लगी हुई है, वो सुविधाएँ वहाँ से मिलती हैं। लेकिन जनरल लैब हमारी यहाँ पर, ब्लड बैंक हमारा पूरी तरह इक्विप्ड है जहाँ पर ब्लड डोनेशन और ब्लड की पूरी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और उसके अलावा हमारी जो ओटी हैं, मॉड्यूलर ओटी यहाँ पे बनी हुई हैं, मॉड्यूलर हैं, बहुत अच्छी ओटी बनी हुई हैं। आईसीयू वेल इक्विप्ड है। हार्ट के लिए हमारे पास जो कैथ लैब है वो विश्व स्तरीय है। हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो जनरल फिजिशियन हैं, चाहे ऑर्थो के हैं, या जितने भी डॉक्टर रखे गए हैं ट्रस्ट की तरफ से, वो ये ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं कि सेवा भाव से काम करें, ना कि कमर्शियल एंगल का ध्यान रखते हुए। इसी प्रकार जैसे आपने पूछा था कि कोरोना की जो आप बात कर रहे थे, कोरोना के टाइम पे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने लोगों की बहुत मदद की। उस समय पे जब हमारे पास बेड कैपेसिटी नहीं थी, हमने एक्स्ट्रा बेड गवर्नमेंट से परमिशन लेके लगाए और हमारी पूरी कोशिश रही किसी भी पेशेंट को वापस ना भेजा जाए, जिसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसे ज़रूर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। एक साल तक कोरोना महामारी से लड़ा हमारा देश, लॉकडाउन भी चला और उसके बाद वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन ड्राइव हॉस्पिटल में कैसी चल रही है, क्या कुछ इसकी तैयारियां? जी, वैक्सीनेशन ड्राइव जिस दिन पहली बार शुरू हुई थी हमारे हॉस्पिटल में उसी दिन से शुरू हो गई थी और अभी चल रही है। अभी तक यहाँ पर जो सरकारी डॉक्टर्स और स्टाफ हमारी मदद के लिए आता था, अब पूरी तरह हमारा जो अपना स्टाफ है वो इसको संभाले हुए है और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनको आते ही टोकन दे दिए जाते हैं। और जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आते लेकिन एलिजिबल हैं, उनको हम यहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन देते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं इकोनॉमिकली वीक हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या कुछ ऑफर्स हैं, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जो आदर्श लेके ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट चला है, महाराजा अग्रसेन एक महान समाजवादी समाज सुधारक थे, तो उनके आदर्शों पर चलते हुए ये, हालांकि हमने सेक्टर 1 द्वारका वाली ये जो ज़मीन है ऑक्शन में खरीदी थी, तो भी हमने अपनी तरफ से सरकार से ऑप्ट किया कि नहीं, हम EWS करना चाहते हैं। जितना सरकार बताती है उससे भी ज़्यादा EWS लोगों की यहाँ पर मदद की जाती है, चाहे डिस्काउंट की ज़रूरत हो या फ्री केयर की ज़रूरत हो, उसमें हम कोई कंजूसी नहीं बरतते। वास्तव में जो इसका अधिकारी है उसको हम ज़रूर इस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। अपील मैं चाहूँगा आप करें लोगों से, क्योंकि कोविड दोबारा से शुरू हो चुका है, मामले बढ़ रहे हैं और लोगों ने इसको हल्के में लेना शुरू कर दिया है, तो एक अपील आप लोगों से करें कि सावधानी उतनी ही बरतें जितनी पहले बरत रहे थे, हालांकि वैक्सीनेशन आ चुका है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है, हम अपनी सेहत का तो ख्याल करें ही करें, अपनों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि हम सावधानी रखें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे,
या हम बाहर जाएंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है हमें इफ़ेक्ट ना हो, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, हमें इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम इन्फेक्शन को अपने घर पे लाएं और हमारे घर के लोग उससे इन्फेक्ट हो जाएं। हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है, वो हमारे से उस बीमारी को ले सकता है। तो इसलिए देखिए पूरा वर्ल्ड इस समय त्रस्त है इस कोरोना की महामारी से, तो इसे आप सावधानी से ही टाल सकते हैं। दवाई आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस देश की जनसंख्या 125-150 करोड़ है उसमें पूरे देश को वैक्सीनेटेड होते होते समय लग गया, इतने अवेयरनेस भी नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे प्रयास करने से ही संभव है कि हम इस बीमारी को हरा सकें। दिल्ली में भी अभी कोरोना के केसेस पिछले कुछ दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, देश के कई हिस्सों में बढ़ रहे हैं, पंजाब में भी कुछ केसेस ज़्यादा आए हैं। तो इसका वेव का कुछ पता नहीं लगता कब किसको घेर लेगा और कब वेव ज़्यादा आ जाएगी। तो जितना हम सावधानी रखेंगे उतना हम भी सेफ रहेंगे, हमारा समाज भी सेफ रहेगा। इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ अपने हाथों को साफ रखें, बार बार हाथ साबुन से धोते रहें, ना साबुन हो तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क ज़रूर लगा कर रखें, ये सबसे ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी के कॉन्टैक्ट में आएँ, 6 फुट से नज़दीक आना पड़े तो मास्क उस समय आपके और सामने वाले के फेस पे ज़रूर हो। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग, जिन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में कस्टमर्स के लिए, देश के लिए, समाज के लिए क्या कुछ सर्विसेज हैं और कैसे हॉस्पिटल काम करता है जन कल्याण के लिए, समाज के लिए। साथ ही साथ सोशल मैसेज भी दिया कि वैक्सीनेशन बेशक आ गया है लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, सावधानियां उतनी ही बरतें। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। थैंक यू। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।